ओह हैंड्स अप, टी शर्ट उठाओ। शुरू हो गया क्या? काम हो गया? कितने किलोमीटर भागे? 4 किलोमीटर 10 मिनट 10 सेकंड में। कौन सा रूट था? अरे पुराना रूट ही है ना। सही बोल रहा है क्या अप्पू? ये झूठ नहीं है, ये पता चल गया। मेरा अप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारा आदमी है ना? आप कभी नहीं ठीक होने वाले हो, मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। वैसे ऐसा कौन सा सपना देख लिया तुमने? उस सलमान खान को उठा के जरा साइड में रखो, मेरा सिक्स पैक बनना मुश्किल हो गया है। ऐसा रहा तो मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है डार्लिंग, मुझे कुछ खाने के लिए तो दो। कब इडली खाया था वो भी भूल गया हूँ मैं। आप चाहे कितना भी रोलो, इडली चटनी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ओनली करेले का जूस, जो भी बाहर मिल जाए सब खरीद कर खा लेते हो। अरे मेरे रूप में क्या परेशानी है डार्लिंग? क्या परेशानी? चारा खाया हुआ पहाड़ों के कोबरा सांप जैसे हो, अभी कहीं केले के खेत में फावड़े मारने लायक ही हो तुम। हे भगवान, कब समझेगी मुझे? जाने दो, पहले खाना खा लेता। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? इस शख्स की वजह से मुझे करेले का जूस पीना पड़ रहा है। तुम्हें तो फिल्मों में मटन मच्छी मिल जाता है तो बॉडी बना लेते हो, लेकिन इस बेचारे केशव का क्या होगा, कभी सोचा है किसी ने? लो चलो अब इसे खा लो और अपने पेट को आराम दो और स्कूल जाने के बारे में सोचो। तुम अभी भी मुझे लेकर नुकसानदायक फील तो नहीं कर रही हो ना डार्लिंग? इसे खा कर फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुझे आज भी बुला रहे हैं डार्लिंग, समझी? ये बात पूरे गाँव वालों को भी पता चलनी चाहिए ना। अरे इसका डोज ज्यादा हुआ तो शरीर खराब हो जाएगा डार्लिंग। कोई नहीं, अगर मर भी गए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पैसा खर्च करके वॉशिंग मशीन लिया, फिर भी कपड़े धोने के लिए मैं ही चाहिए। कितना भी धो लो, ब्लाउज का दाग तक नहीं जाता, कलर भी नहीं जाता, और ऊपर से इसकी कंप्लेंट सुननी पड़ती है। कंधे पे डाल के क्या धो रहे हो? जमीन पर रखकर धोऊंगा तो खटमल काटेंगे, सर पर रखकर धोऊंगा तो ब्लीच। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुझे शुगर की बीमारी है। अरे मैं तो सिर्फ एक पुरानी कहावत बता रहा हूँ वसु। जरा जल्दी करो, हाँ किचन के काम का टाइम हो गया है। इसकी तो But you gotta wait, thought you were home free. But I'm back, now your eyes closed so slowly. I move quickly, you so sickly. Bubblegum rapper, you such, you gotta wait. क्या बात है, इतने में थक गए? मेरी प्यारी वसुंधरा, कभी कभी मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं कोई बीन बजाने वाला था। कभी कभी लगता है मैं कपड़ा धोने वाला था। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कोई दूध निकालने वाला था। कुछ भी कहो, आप हो बहुत किस्मत वाले। इस जन्म में सब एक साथ मिला है ना? सही। सोचो अगर मैं पिछले जन्म में लड़की होता तो फिर बीन कैसे बचाओगे? हाँ? चुप रहो वसुंधरा, मुझे जरा भी इज्जत नहीं देती हो। कैसे इज्जत मिलेगी? वैसे इस तरह बिखर के शांत मत बैठो, जल्दी से काम खत्म करके ऑफिस जाने के बारे में सोचो। अरे वहाँ कभी भी जाऊँगा तो चलेगा, कितना काम करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ रेडी है। हाँ चलो भाई काम पर चलते हैं। चलूं क्या? कभी कभी टॉवल से खुद को लटकाने का दिल करता है। अरे कौन है वहाँ? जल्दी से गाड़ी निकालो, कम ऑन, गो टू द स्टेशन। चलो जल्दी निकालो, कम ऑन फास्ट फास्ट। अरे यशोदा, अरे भगवान, मेरा कोट बहुत संभाल कर रखा था इस कोट को। जो कोट नहीं जाता है फिर ये कोट किस लिए? आप जो काम करते हैं उसके लिए कोई भी ड्रेस चलेगा, किसी भी रंग का कपड़ा चलेगा, इसमें इतनी क्या परेशानी है? ऐसा कौन सा काम है? वो भी मैं समझती हूँ, अपनी मनमानी दिखाते हो, ऊपर से होशियारी भी। अब भी मैं तुमको दिखाती हूँ। यशोदा नहीं, नहीं नहीं यशोदा, अरे, अरे मौत के कटघरे में मैं खुद खड़ी करती हूँ। मुझे एक साड़ी खरीद कर देने को बोला था तो तुम बोल रहे थे कि बहुत काम पड़ा है। मैं बहुत बिजी हूँ, अनजान और अनाथ लोगों को साड़ी निकाल कर बांट रही हूँ। प्यारी यशोदा, मेरी बात को जरा सुनो। अरे वो कार कोर्ट में काम करने वाले डवाली की है, वो गाड़ी में रखकर भूल गया था। ठीक से सुन लो, बेचारी का श्राप मत लेना।
एकदम ढंग से नहीं आता। बड़ा आया दिवाली की बड़ी बड़ी बातें करने, यहाँ पे लफंगा गिरी करते हो और गांव वालों के सामने डिसेंट बनने का दिखावा करते हो। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, लगता है इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। चलो उतर के देखता हूँ। सुनो वकील जी, तुम्हें LLB किसने दिया? कार के ऊपर कोई गवाह की साड़ी वाड़ी रखता है क्या? मेरा ध्यान भटकाने का कोशिश मत करो। अब तुम क्या इसे गाड़ी में रख के संभालोगे? मेरी प्यारी बहना, यहाँ कोई साड़ी वाड़ी को काट कर खेलता है क्या? अगर वसुंधरा के हाथ में ये लग जाए तो वो इसे इस तरह ओढ़ कर चलेगी। चल के दिखाऊं क्या? नालायक वकील। अरे कौन हो सकता है? अरे गीता तुम हो? मंजू देखो कौन आया है। बेटी तुम अंदर आ जाओ। दीदी। अरे अरे तुम्हें क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? हम सब है ना यहाँ। मंजू इसे अंदर लेकर जाओ। गीता के मामले में कुछ तो फैसला मिलना चाहिए। ये क्या है? ये सब मैं उठाकर चूल्हे में डाल दूंगी। देखो ऐसा मत करो, इससे लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है। पहले घर संभालो उसके बाद देश। उस बच्ची के साथ जाके जरा बातचीत करो। मैं आखिर जाकर वहाँ पर क्या बात करूँगा, ये तो रोज की कहानी है। अगर बोला तो माँ सासू माँ मामा दादा सब आकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बेचारी, उसके बारे में कुछ सोचा होता, एक बच्चा हो गया होता तो ही उसका भला होता। जीने के लिए कोई तो वजह चाहिए ना। वो कुछ कर ना ले इसी बात का मुझे डर है। बालू से मैं कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी उसे यहाँ आने दो, मैं उससे दोबारा बात करूँगा। मेरे हिसाब से इस मामले का अब बस केवल एक ही रास्ता है, या तो बच्चे को गोद लेंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। ओहो, यही तुम्हारी एक जानकारी है क्या? तो ठीक है, फिर तुम एक काम करो, मुझे बालू की माँ का करेक्ट नाम और एड्रेस दो, मैं कुछ करता हूँ। वो किस लिए? हम दोनों एक और बच्चा प्लान करेंगे। अयो, तुम ना अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। अबे ये अनाली सेवियर पैसे देने से ज्यादा पैसे वापस कैसे लेने ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ गया तू? जब पहली बार पैसा लिया तो पैसा चुकाने के लिए बोला था। और ऑपरेशन कुबेर को गुस्सा आया या सेवियर को किसी ने धोखा दिया तो समझ लेना तुम सबको पता चल जाएगा कौन है हम सब। अनानी सेवियर, क्या बात है रे, ज्यादा बकबक कर रहा है। राजस्थान के सांप के जैसा। वाय दिस कुंजन गुस्सा के अंगार, जहर को थोड़ा और बढ़ाने का ना। सर राजस्थान का सांप काटेगा मरने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके मरेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अरे देखो बड़ा सांप, मरने मारने के लिए तू कौन होता है? स्कूल में ज्वाइन करते समय नाम के साथ साथ एक जहरीला सांप नाम में जोड़ दिया तो तू बहुत बड़ा गुंडा बन गया क्या? दूध पीने वाले बच्चों के सामने तुम अपनी मर्दांगी मत दिखाना, अगर मर्द है तो मुझे मार के दिखा, मार के दिखाना। सर गुस्से वाले सांप को मार कर उसका गुस्सा मत बढ़ाइए, समझ गए? अरे बाप रे, तुम मोहन लाल बनने की सोच रहे हो क्या? अभी बताता हूँ। मैं तुमसे कई बार बोल चुका हूँ इस तरह बीच रास्ते में दंगा शुरू करके। अरे तुमने इसे कहाँ छुपा कर रखा था? आओ उतरो नीचे और पैक बनाओ, जल्दी जल्दी तो पैक बनाओ। हाँ जल्दी से बनाओ। अरे पूरा सेटअप रेडी है। चुप रहिए सर, ड्यूटी के वक्त भी मुझे पुलिस का डर नहीं है, लेकिन वसुंधरा दीदी आ गई तो फिर मेरी पूरी तरह से धुलाई करके फैक्ट्री बना देगी वो मुझे, समझ गए आप? तो फिर मैं यूनिफॉर्म में हूँ इसलिए मुझे तो कोई छुएगा भी नहीं। अरे आपके बारे में बात करके भी कभी कभी हमारे लोगों के बीच में हंसी मजाक करते रहते हैं। लाइसेंस के साथ बंदूक है, बंदूक के साथ अंदर गोली भी है, लेकिन गोली चलाना नहीं आता। नालायक चुप बैठ, मर्द बोला है तो जबान के पक्के बनो। क्यों उसका हाथ पैर तोड़ के मेरे हाथ में देने वाला, ऐसा बोलकर 8 महीने हो गया, सिर्फ गुंडा नाम बोलकर रौब दिखा रहा है। अरे भाई कल आप लेट आओगे ये सोच कर मैंने अपनी लड़कियों को आपके घर पर छोड़ा था। लाइट जाने का वक्त था, गोली जैसा एक चीज खाट पर पड़ा था, गोली मार के उसे नीचे ढकेल कर देखा, कौन था पता है? कौन? आप ही थे, और कौन हो सकता है? अरे दे 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 दे। उन्होंने मुझे परेशान किया था क्या?
फिर भी मेहनत करके आए थे ना वो, इसीलिए एक लात दिया था पेट पर मैंने। आराम से, ये हुई ना बात। इसके लिए मैंने जब हिसाब किया था तो बहुत आराम से हुआ था। वैसे मैं तो उस बेचारी वसुंधरा पर बेकार ही शक करता हूँ। फिर भी मेरा काम बिगड़ गया। एक अनजान इंसान जिसको कोई जानता भी नहीं, उसके पेट पर मारने के लिए सोचा तो। अरे अगर जल्दबाजी में मैं भी वहाँ पर होता तो लोग मारते। अरे चड्डी तक आप नहीं पहनते हो, ये तो बताते आप मुझे। अरे उन लोगों ने मोबाइल में फोटो खींचा क्या? कभी नेट पेट पे डाल दिया तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। नेट पे डालने वाली चीज है क्या आप? इतनी खराबी है क्या? हाँ सर। सर वो पार्टी वालों का मसला है सर, हम सामने से मिलकर बात करते हैं ना सर। हाँ मैं आता हूँ। कमिश्नर इस आदमी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे गाड़ी निकालो गाड़ी। तो फिर मैं? अरे तुम कैसे भी जाओ, लेकिन तुम इसे पूरी खत्म मत करना। हमें शाम को मिक्सचर के साथ महफिल में बैठना है। अरे भाई। अरे वो जब शाम को तुम मिलोगे तो सामने से बात करेंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या कोटेशन देना है क्या? नहीं भाई, बस इधर ही। ठीक है जाओ जाओ जाओ। सिसिली, तुम्हें घर में बैठकर पढ़ने के लिए बोली थी ना? पढ़ लिया हूँ सिसिली, और कंपोजिशन भी रेडी है। कुछ तो दाल में काला है। कुछ नहीं सिसिली, सब कुछ ठीक है बिल्कुल भी। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। हाँ इसमें क्या है, कर सकता हूँ ना। देखो अभी तुम्हारे सर एक ही हाथ बचा है क्या? नहीं नहीं ये ले दूसरा। अरे उस हाथ में ऐसा क्या रखा है, दिखाओ। अरे नहीं सिसिली मैं सच बोल रहा हूँ। अरे इधर आ निठल्ले, दिखाती हूँ। सिसिली छोड़ो छोड़ो। भाई तलवार निकालूं क्या? ए, नहीं 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 नहीं, ये मेरी वाइफ है, ये फैमिली सेंटीमेंट है। भाई लोग अभी जाइए। ठीक है ठीक है, अच्छे से काम करना ध्यान से। हाँ भाई। मेरी प्यारी सिसिली, घर में जितना चाहो उतना मारो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन गांव वालों के सामने मुझ पर हाथ मत उठाना सिसिली, ऐसा मत करो, मेरी जान हो ना तुम, समझो ना। अरे चुप रहो, गाड़ी पे बैठो। स्टैंड अब चल सकते हैं। मेरी प्यारी सिसिली। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, पूरी बात बताए बिना वक्त बर्बाद मत करो। अरे क्या हुआ, बिना रोए भी तो बता सकते हो ना। इसकी बीवी है सिसिली, इसको भी पता चले बिना ये मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में करेंटली सीट लेकर दिया। अरे लोग एडमिशन ना मिलने की वजह से रोते हैं, ये सब तो तेरी पढ़ाई के लिए है ना, बिगड़ने के लिए तो नहीं है ना, समझा? मुझे बिगड़ना तो फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर वो मुझे पढ़ाने के लिए सोचे तो उस दिन मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा। अरे सिसिली को भी पता नहीं चलेगा, इस एडमिशन को ऐसे कैंसिल करा दूंगा। अरे वकील वकील इधर आओ। अरे तुम इतनी देर तक फोन पर किससे बात करते रहते हो? चल रहा है। अरे वो मेरी बीवी है यशोदा। इस व्हाट्सएप मैसेज की शुरुआत किसने की है? Where are you? कब आओगे? बस इतना ही मैसेज, समझ में आ रहा है क्या? अरे यार ये मोबाइल के जीपीएस से मैं तो तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी बात किया तो उसके वहाँ सोने से पहले मैं घर नहीं पहुँच पाऊंगा। मुर्दे घोड़े को लेकर रेस में भागने के जैसा बहुत जिद करती है, मुझे सुलाए बिना उसे नींद नहीं आएगी। अरे मेरी बीवी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है यार, सलमान खान जैसा मुझे देखना चाहती है, अभी मेरे दांत भी बदलवाने के लिए सोच रही है। इस उम्र में मेरी हिम्मत चली गई, लेकिन सलमान खान जैसा सिक्स पैक बॉडी बनाने की सोच रही है। मेरे शरीर को तंदुरुस्त बना के और सेक्सी टी शर्ट पहना के यो बच्चों की तरह 100cc बाइक में हवा की तरह दौड़ाना चाहती है यार। अगर हम लोगों ने इतना फ्रीडम दिया तो अंत में हमारा काम तमाम है। हल निकालता हूँ, इनकी मनमानी रोकने के लिए एक ही रास्ता है। वो क्या है? क्या है? डार्क बीच। डार्क बीच। अरे अरे आराम से उतारो। अरे बस करो बस करो बस करो बस करो। अरे 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 बस करो। अरे वकील साहब पहले ब्यूटी पार्लर में थे क्या? ऐसे लगा ऐसे ऐसे इधर बैठा इधर इधर
लगा लगा। अभी तो ये शुरुआत है ना, अगर ये सक्सेस हो जाएगा ना तो इसी बहाने मार्केट में रहने वाले सभी को अपने कामों में ले लेंगे। 1, 2, 3। अरे आज तो वसुंधरा का हाथ पैर टूटेगा। हाँ, हम कुछ भी करके उस गैंग को तोड़ देंगे। हाँ, यशोदा के सर पे भी मारेंगे। हाँ, ऐसी बात है तो सिली के मुंह पर और सीने पर दो पंच मारेंगे। बहुत कराटे कराटे बोल रही थी, आज उसे दिखाऊंगा मैं। मेरे प्यारे दोस्त, इतने सालों के अनुभव से बोलता हूँ, एक बात याद रखना, उसको गहरी नींद में सोने के बाद ही तुम उसको मार सकते हो। अरे मेरे भाई, ये तो छोटा सा मामला है ना, बंद कमरे में होने वाला एक शख्स भी उस औरत को लाइट ऑफ करके हाथ में एक लकड़ा लेकर सिंपल हाथ पैर तोड़ने का काम कर सकता है। छोटा सा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। बस इतना ही काम है, समझ गए तुम लोग, ये बड़ा काम है। अरे तुम हाथ पैर कैसे तोड़ सकोगे, वो भी सोते टाइम पे? ये धर्म अधर्म की बात नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है, युद्ध ही पहला धर्म है। क्या मास्टर जी गीता उपदेश दे रहे हो? अरे बस करो, वो अभी आने का समय आ गया है। चलो उठो तुम मेरे दोस्त, तुम्हारा भला ही होगा। क्यों? सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, पैर में कुछ भी हो तो चलेगा, बस ये याद रखना हाथ में कुछ ना हो। पर वो क्यों? वो क्यों? वो मुझे बोल रहा है। सुनो ध्यान से मेरी बात, वसुंधरा की पुंगी बचाकर इसके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। पकड़ो इसे। पितामह, तो फिर ठीक है, मैं काम होने के बाद बुलाता हूँ। जल्दी से आ जाना, नहीं तो यहीं मैं सो जाऊंगा। चलो चलो चलो, जाओ। चलो चलो, हिम्मत से जाओ। जय हिंद। अरे तंबी सर, ये राइट हैंड है ना? ओके। दाएं बाएं किसको जरा भी जानकारी नहीं, कैसा गुंडा है, लगता है इसी के हाथ पैर तोड़ने की नौबत आ जाएगी। कितना बेवकूफ है तू है। यहाँ देखो, देखो ध्यान से, देखो देखो, ये है दायां हाथ और ये है बायां हाथ। ये बायां हाथ है। इस बायां हाथ को तोड़ना है, अभी क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है। ये लगता है तुम अभी अच्छे से समझ गए। याद रखना, पी के नीचे लुढ़क मत जाना, अगर तुमने हाथ नहीं तोड़ा तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। याद रखना, उसका दाया हाथ ही तोड़ना है, समझ गए? चलो, ये दाया हाथ है और ये बाया हाथ है। हाँ, बहुत अच्छे, समझदार हो, बहुत बढ़िया। दाया ही तोड़ना, भूल मत जाना। दाया, अरे तम्बी, ये ठीक से काम करेगा कि नहीं, या फिर अपना पूरा राज खुल जाएगा। अरे इसका सूत्रधार कौन है? समझ में नहीं आया। अरे वकील, उसे आने में आज लेट हो गया, ये बात तो पक्की है, और ये बेवकूफ थोड़ी देर के बाद सो जाएगा, ये भी पक्का है, और वो इसे मारेगी, ये भी पक्का है। IPC 302, उसे उम्र कैद मिलेगा, ये भी पक्का है। कैसे पक्का हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। IPC गुंडे, चुपचाप चलो। तो अपने सेवियर का हाल, यहाँ पर धर्म अधर्म की जगह नहीं है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध ही पहला धर्म है। कम ऑन, फॉलो मी। यो यो, मेरी मधुमक्खी, ये बाया हाथ है, ये उनका दाहिना हाथ है, और ये दाहिना पैर, ये बाया पैर। हाँ, समझ गए। हर बार दाया बाया का ध्यान है। वसुंधरा का कैसे दाया बाया पता लगाऊं? वसुंधरा का बाया हाथ, समझ गया। आगे जाओ। वसुंधरा का बाया हाथ, समझ गया। वसुंधरा का ये बाया हाथ है, नहीं नहीं, मुझे लगता है ये बाया हाथ नहीं, दाया हाथ। अप्पू, ये तुम्हारी फेवरेट आंटी का घर है। आजो, आजो। ये बाया हाथ है, कराता हूँ मैं। बाया, अरे कोजा, अरे अप्पू, रन 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 अप्पू। अरे बाप रे बाप, एक आवाज के पीछे इतने लोग। अप्पू सर, अरे बाप रे, सीसी सीसी, अरे बाप रे, अब क्या होगा? उस गाने को दोबारा गाओ। तुम्हें जाना तो मैंने पाया, ऐसे नहीं। तुम्हें जाना
तो मैंने पाया कि तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन, तुम ही मेरी जाने तमन्ना, तुम ही सब कुछ हो, मेरी हो कि नहीं बता दो, बता दो, बता दो ना, बता दो। मेरा पति है क्या अंदर? सर 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 ऑफिस चले गए हैं। तुम ही हो सबसे सुंदर, तुम ही हो सबसे प्यारी। कौन है आप लोग? मैं बताती हूँ। जनमायत नगर में एसआई वेलु तंबी के घर में आज एक चोर आ गया था। वो आदमी हमारी कस्टडी में है, उसका सूत्रधार बचकर निकल गया। तुम जाकर मेरे पति से बोलो जहाँ कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पूरी इज्जत का मेरे कपड़ा कर दिया क्या? तुम ज्यादा खुश मत हो। सर आप क्यों अंदर गए थे? मैं एक मैजिक एकेडमी खोल रहा हूँ, तुम ज्वाइन करोगे क्या? अरे अंदर जाओ। पुलिस स्टेशन को खेल का मैदान बना दिया है रास्कल्स। और एक बात, तुम उसके सोने के बाद ही तुम उसे मार सकते हो। अरे एक लड़की को बंदी बनाकर मारना पाप है। अरे धर्मा, धर्मा के लिए यहाँ जगह नहीं है। अभी ये बताओ किस लिए आपने सेवियर को नकाब पहनाया था? अरे क्या नकाब पहनाया था, कुछ चोरों का खेल खेल के मजाक करने की सोच रहे थे। क्या तमाशा है, 100-150 किलो के काले शरीर पर काला रंग लगाकर उसे वहाँ भेजना मजाक है? आपको क्या लगता हम मान जाएंगे? सेवियर को मैं जानती हूँ, कोई भी काम अकेले करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। तुम कहना चाहती हो कि ये सब हम लोगों ने करवाया? तुम तो चुप ही रहो। अरे अपने साथी से नहीं मिलना, जनमैत्री नगर को हिलाकर रखने वाला गुंडा सिसली। अरे लाइट ऑफ करके लकड़ा लेकर सिंपल हाथ तोड़ने का एक काम था यार, क्या बताऊँ मैं। ये देखो 100-150 किलो की लाश, आगे से ऐसा किया तो ठहरो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हारे एक और हाथ को मैं तोड़ती हूँ। तुमसे गलती कहाँ हुई सेवियर? अरे मेरे भाई, सिसिली को देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। सही बोलते हैं, क्लच दबाना हो तो किसी भी गियर में लाकर गाड़ी को खड़ा करना है, एक तो दायां और बायां, खासकर तुम अक्सर भूल जाते हो। गांव के बाहर जाने वाले बाईपास के लिए लैंड इको सिस्टम का जो कार्यक्रम है उसे जल्दी शुरू करो, ऐसा कैबिनेट का आदेश है। हर लैंड के ओनर्स को इमीडिएट नोटिस भेजो, कितना लैंड लिस्ट आउट किया है। 55 घर वाले शामिल हैं, इससे 2 साल पहले उन लोगों को नोटिस दिया था। उस दिन तो कोई खास समस्या नहीं आई थी, अभी तो लेटेस्ट फाइंड आउट। उनका रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट के डिस्कस करने के बारे में पब्लिक की क्या राय है उसकी भी जल्दी रिपोर्ट दो। यस सर। ओके, डू विद इमीडिएटली इफेक्ट, प्रेस वालों को भी इन्फॉर्म कर दो। सर। पापा कहाँ हैं? अंदर है। क्या बात है पापा, मुझे अचानक बुला लिया? टीवी पर न्यूज देख के इनको चक्कर आ गया। बस इतनी सी बात है? अरे ये कोई नई बात थोड़ी है, हाँ लोग तो बातें करते रहते हैं। फिर भी इस न्यूज को सुनते ही जहाँ हम पैदा हुए हैं, इस गांव को छोड़कर जाने का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात, दो पैग मारते सारा टेंशन खत्म। अरे वो बात नहीं है, और कितने साल कोई नई जगह ढूंढ कर मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? पापा बाईपास रोड के चलते कितने परिवार गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा हम किस्मत वाले हैं। तुम्हारी माँ ही इन सब की वजह है, वो पंडित जी की बातों में आकर कुछ भी करती है। अरे मेरी माँ, उसका क्या, घर जा रहा है तो ठीक है, पर बाईपास रोड की वजह से हमें इस जमीन की कम से कम 4 गुना कीमत मिलेगी, उस पैसे से हम एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इसीलिए शांत रहिए। तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते हो। बेटा तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को थोड़ी दवा पिला दूं, ठीक है? हाँ, मुझे समझ आ गया, यही है ना। अरे जाओ रे। अच्छा पानी लेते आना। ये लो, 2 पैग मारो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पूरा खाली मत कीजिएगा, मुझे भी पीना है, ठीक है? एक बोतल में 2 लोग पियेंगे क्या, ये नहीं होने वाला है बेटा, जाओ लेकर। पता था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। चलो पापा चलते हैं। हाँ आता हूँ। हम लोग भी तैयार हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ घर देखने के लिए। अरे अभी तक हमने देखा नहीं और तुम्हें देखना है? हाँ अरे ऐसा नहीं है, इसकी पसंद भी तो जाननी चाहिए, एक ऑटो बुला लो और साथ लेकर जाओ। हाँ सही है,
फिर भी तुम दोनों जाकर आओ, घर तो आपको पसंद आना चाहिए ना। अरे वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, आप दोनों मिलकर इसे क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ वहाँ दामोदर मास्टर हमारा वेट करेंगे, चली चलते हैं। तो फिर तुम सब लोग अंदर जाओ, हम दोनों जाकर आते हैं। चलो बेटा चलो, आ जाओ। साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, और कोई काम नहीं इसके पास। आ जाओ चलते हैं हम लोग। चलिए फिर मिलेंगे। विजय भाई छत का काम करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ। पापा घर पसंद है ना? हाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। देखने में भी काफी अच्छा है। हाँ देखने में तो अच्छा है, बहुत अच्छा। बात पक्की कर ली क्या? हाँ बात पक्की हो गई है, अगले हफ्ते रजिस्ट्री हो जाएगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तंबी हूँ, वेलु तंबी। बटालियन में? नहीं यहाँ का ऐसा ही। ओह नमस्ते। ये है सेवियर कुबेरा। नमस्ते। वैसे आपके पैर में क्या हो गया? अरे वो रोड के गटर में गिर गया था। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप यहाँ नए हो ना, आराम से सब पता चल जाएगा। कुछ भी हो, इस तरह का एक स्टिक ऑर्डर करके रख लो। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ जो समझ में आए समझ लेना। जन्मित्री नगर में सुस्वागतम। अरे मुझे एक बात पूछनी थी, यहाँ यहाँ का बेवरेज कॉर्पोरेशन कहाँ है? वहाँ बाई तरफ। ये क्या बोल रहे हैं पापा? अरे बस ऐसे ही। फिर भी वो जो स्टिक को खरीदने की बात किया उसमें कुछ चिंता वाली बात है ना? किस तरह की चिंता? देखिए पापा इस रोड में कोई परेशानी नहीं है, अगर यहाँ की तुलना में देखे तो ये रोड सबसे अच्छी है। ये दारू पीकर गाड़ी चला रहे होंगे इसीलिए ऐसा हुआ होगा, इनकी कैपेसिटी आज की तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो मुझे एक बात पसंद है। कौन सी बात? पड़ोस में एक एसआई है। हाँ। चोरी चकारी का डर नहीं। आजकल केवल चोरी ठीक है, वो केवल चोरी करते हैं, किसी से जलते नहीं। पापा ने मुझे परेशान कर दिया, पर ये घर पापा को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दारू की दुकान है। वैसे मंजू वो घर इससे भी बड़ा है, हम चार लोगों के लिए जैसे महल है वो। दीवारों पे थोड़ा दाग है पर उस दाग को हम पेंटिंग के जरिए हटा सकते हैं। पूरे घर का काम हम जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। हाँ एक बात है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, वहाँ ऊपर में बहुत बढ़िया किचन है जैसा तुम्हें पसंद है। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? सुन रही हूँ ना, मैं क्या बोलूँ इसमें? आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग फैसला लो। औरतें तो अपनी राय दे ही नहीं सकती है ना, यही तो आप लोगों का नियम है। लगता है मंजू तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। इस दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद जानने वाला आखिर मेरे अलावा है कौन? उस घर में तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं, केवल मेरी पसंद ही काफी नहीं है। जिंदगी में तो हम पहली बार एक नया घर खरीदने जा रहे हैं, उसे देखने के लिए पति के साथ जाना वो हर किसी बीवी की तमन्ना होती है ना। पति के बाइक के पीछे बैठकर उसे पकड़ कर जाना। तुम भी छोटे बच्चों की तरह करती हो। पिताजी के साथ गया इसीलिए दुखी हो ना? अरे वो उम्र में बड़े हैं इसीलिए गया मैं उनके साथ। पिताजी का दिल दुखे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरी फीलिंग्स उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है क्या? बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, आखिर तुम्हें यहाँ क्या कमी है? ए मुझे कोई कमी नहीं है, बहुत खुशी से हूँ। सुबह उठना, रसोई में जाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बस सिर्फ मैं अपनी राय नहीं बोल सकती। इसी का नाम बीवी है ना, इसी का नाम औरत है। अरे सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, सो जाओ। वैसे मेरा मूड बन रहा है। मंजू मंजू चुपचाप सो जाओ। समझ गए ना? आ जाओ पापा बात कीजिए। आ जाओ। सारे बैचलर्स यहाँ पर हैं। तुम्हारी पत्नियाँ कहाँ हैं? अरे वो लोग बहुत बिजी हैं ना, जनरल बॉडी, लोकल मीटिंग, शमशान सम्मेलन, पूछिए मत, बोलने की जरूरत नहीं। फैमिली की खबर सुनकर वो लोग बहुत थ्रिल होंगे, जितना भी लेट होते होने दो, रात में भी वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। अरे बाला, पापा बाला आ गया। अरे बाला माँ को भी साथ में लाना था, उनके बारे में तो जानते हो। अरे मामा जी कैसे हैं? आइए मामी। अरे सब लोग आ गए हैं क्या? तो फिर हम देरी क्यों कर रहे हैं, चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ रसम शुरू करो। अरे माँ आइए। रहने दो बेटा, तुम चलाओ। अरे तुम चुप करो, उसे एक अच्छा काम करते हुए परेशान मत करो। माँ जी आप आइए। आइए ना माँ। अच्छे काम के लिए क्यों हिचकिचा रही हैं?
अरे बापरे कितना टाइम हो गया, पापा मुझे बैंक जाना होगा। अरे आज जाना जरूरी है क्या? केवल स्टाफ के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं, ना जाने वहाँ पर वो लोग कौन सा काम खराब कर दें। माँ मैं चलता हूँ। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, हाँ सब लोग खाना खा के जाइएगा। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मेरी मीटिंग थी एक। हाँ लेट हो गया। बाय द वे कौन है वो मिलिट्री में रहने वाले बुजुर्ग? मेरे पति के पिताजी हैं, बचपन से उन्होंने ही पाला है। अरे इन लोग को यहाँ रखना वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके डिस्पोज कर दो। चलिए। माँ जी कैसी हो? कौन है ये सब? इसके दोस्त हैं। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि ये लोग परेशान करने वाली हैं। हाँ। सुन लेंगे। अरे बाप रे, बाहर से देख के तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर आके इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा हम सब पे। अरे इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी क्या? आजकल के जमाने में यूटिलिटी एरिया नहीं रहने पर किचन बहुत खराब लगता है। ओ गॉड इट्स अ हॉरिबल। घर देखने के लिए आई जब? मंजू तूने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे मैं नहीं आई थी, वो और पिताजी साथ में आए थे। नेवर माइंड मंजू, थोड़े दिन ठहरने के बाद इसे तोड़ फोड़ के अच्छा बना देना, सब ठीक लगेगा। अरे कैसा पति है? डिटेक्टिव है क्या? किसी भी काम में तुम्हारी राय पूछता है क्या मंजू? ये तो उसकी शक्ल से ही पता चलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर विषय में अपना सजेशन देती हूँ, लेकिन अरे पति सारे फैसले अपने बल पर लेते हैं, यही सही है ना? कुछ नहीं है। देखो मंजू, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, हम बीवियाँ उनके हिसाब से पूरी जिंदगी नहीं काटने वाले। हम सब औरतें मिलकर इस मामले को सुलझाएंगे, यही इसका प्रायश्चित है। अरे समाज में बेसहाय औरत हाथ मिलाकर ही रहेंगे, राज्य में स्त्री का समांतर पाने की हम स्त्री लोगों का प्रस्ताव है, औरत और मर्द बराबर ही हैं, यही हमारा प्रस्ताव है। सुनो हाँ? वो ब्राउचर दो ना उसे। हाँ। मंजू जब टाइम मिले तो इसे दिल से पढ़ना, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग टू। मंजू अकेली हो इसकी चिंता अब तुम छोड़ दो, कभी भी किसी भी वक्त बुलाओगी हम आ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय द वे मंजू अगली मीटिंग मेरे घर पे है, प्लीज आप मना मत करना। ओके सैटरडे और डेट मत भूलना। ओके डार्लिंग सी यू बाय 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 मंजू बाय बाय मंजू। औरत मर्द की गुलाम नहीं है, औरत कोई अबला नहीं है, खाना पकाना कपड़े धोना यही काम थोड़ी है औरत का। औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा हम लोग उसमें दखल जरूर देंगे। इतनी डरपोक को मुझे पता नहीं था। Try to understand, Willie. बस मैं एक नाम के लिए उस मीटिंग में गई थी। आगे औरतों की जिंदगी कैसी होगी? बस ऐसा मैंने पूछा था। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी इतना भी ठीक नहीं। वो लोग भी तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा कर बैठे थे। वो लोग एक फेमिनिस्ट है, ये बात मैं नहीं जानती थी। ये जो फेमिनिस्ट नाम से बोलते है ना, ये सब इगोइस्ट है। मर्द का प्यार ना मिलने की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और कोई बात नहीं है। पहले पति के साथ जो गुस्सा है वो गांव वालों के साथ मिलकर रहने वाली दुश्मनी को बढ़ा देती है। तुमसे प्यार करने के लिए ऑलरेडी एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? ये हुई ना बात, तुम जैसे मर्द साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हो, यहाँ से बचकर निकले तो पहुँचोगे सीधे दुबई। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, बस थोड़ा पैसा कमाने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। 5-स्टार होटल में स्विमिंग सीखने की जरूरत क्या है? तो फिर बेटा एक काम करो, जब पैसा कमाने का ख्वाब पूरा हो जाए तुम्हारा तो जस्ट गिव मी अ रिंग। अरे तुम तो अभी भी गुस्सा कर रही हो, मैंने तो सिर्फ मजाक किया। अरे मेरा उस मीटिंग में सब इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है, पर पेपर पे साइन मत करना। अरे बाप रे। अरे मंजू नहीं आई क्या? आएगी, आए बिना नहीं रहेगी। हम सबने उसे इतना समझाया था फिर भी।
किसी की बातों में आकर हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मंजू आएगी, हमारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार करेगा तो पुलिस के हवाले करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील करेंगे हम। वो एक कदम बढ़ाएगी तो हम आगे दो कदम बढ़ाएंगे। देख लेना, मंजू जरूर आएगी, मैंने उसको बोला था आने के लिए। वो आए बिना नहीं रुकेगी, तुम सब देखना आती ही होगी। जय नारी, अर्थदायी गंगा देवी। देखो मंजू आ गई। मंजू आ जाओ, क्यों यहाँ क्यों रुक गई हो, आओ अंदर। हाय, औरतों के संगठन में आपका स्वागत है। वेरी वेलकम, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आओ आ जाओ, प्लीज बैठो। अब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। अरे इस निराशा का मसला तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा, एक कंप्लेन लिख के दो ना। मैडम प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। अरे उस गोविंद का नाम लेते ही मुझे इसकी परेशानी याद आ गई। जंग में अपाहिज होकर लड़ने वाले को मारा जाएगा ये छोड़ दिया जाएगा। ये किस गोविंद कुटी की बात कर रही हो? अरे यहाँ जो काम करता है वो बैंक मैनेजर, बगैर हिट का फिट वाला, संसारिक बात करने वाला गोविंद कुटी। अरे बैठो, अभी अभी आई हो। नहीं, उनके आने का वक्त हो गया है। अरे आएगा तो आने दे, बैठ ना। तुझे डर लग रहा है कि वो मारेगा? काट कर रख देंगे। मंजू के बदन में एक भी खरोच आया तो उस हाथ को हम काट देंगे। बेटी मंजू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ यस। मंजू पति का नाम ही नहीं बताया। गोविंद कुटी, जिनकी तुम लोग बात कर रहे हो। तुम यहाँ पर कैसे? अरे बस यहीं पास में आई थी। हाँ आओ बैठो। बैठ गई? चलो। तो फिर वही ये आदमी है। नहीं तो जल्दी नहीं भागती, देखा ना कैसे गई। वही वही शेर की चौखट पर आई हुई हिरनी। नो टाइम टू मिस, अटैक। अंदर आ सकते हैं? कितनी बेशर्म हो, फिर से आ गई। हाँ? ऐसे हार कर भागने वालों में से नहीं है हम लोग। हाँ। इस लड़की के मामले में एक प्राश्चित हल निकाल के ही जाएंगे हम यहाँ से, समझे? तुम लोग सरकार की नौकर हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो घूमती फिरती रहती हो। कोई भी काम हो कल बैंक आ जाना, वहीं बात करेंगे अकेले में। आप लड़कियों से अकेले में ऐसी बात करते हो क्या? लड़कियों से अकेले बात करना है या मिलजुल कर, उसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझ गई? अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। गुट्टी जी छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ चाय बनाओ। भागो। सुनो, ये जो चाय बोला है ना आपने, थोड़ा सा पानी रखो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालो, ऐसी जो चीज बनती है ना वो सिर्फ औरत के हाथ से बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? ओहो, तो तुम लोग यहाँ मुझे चाय कैसे बनाते ये बताने आई हो? सिर्फ चाय नहीं, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है ये निरोसा, आपको क्या लगता है आप इसे डरा सकते हो? अरे डराता नहीं हूँ, बीच बीच में सिखाता भी हूँ। काम करने के लिए सरकार मुझे पगार देती है, ना कि मोबाइल पर चैट करने के लिए। सरकारी काम करने वालों का ये हुलिया नहीं होता है। मिस वुमन कॉम्पिटिशन में जाकर तुम लोग कैटवॉक करो, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर में जाकर तुम लोग खड़ी हो जाओ जैसी तुम लोग हो, बिल्कुल वैसी ही वहाँ एक लंबी लाइन होगी, वहाँ के टिकट काउंटर पर एक लड़की बैठी होगी। महिला संगठन का हक बताने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रास्ता है अपना हक जताने का। आप पहले लड़की हुआ करते थे क्या? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन सड़क के कुत्तों को आखिर ये बात कैसे समझ में आएगी? क्या बोला तुमने, कुत्ता? कुत्ता नहीं, भूत वाला कुत्ता, जिस कुत्ते पर भूत सवार हो। तो तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, अगर औरतों ने कंप्लेंट कर दिया तो सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सर्च भी नहीं चाहिए, कोई मिट्टी भी नहीं चाहिए, औरत बोलना ही काफी है, एक शब्द औरत। जानता हूँ मैं सब जानता हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम का नाम बोलकर तुम लोग बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हो। तुम लोग अपनी शिकायतों से किसी को डरा सकती हो, धमका सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ऐसा बताओ मुझे मत दिखाना, समझी? दिखाया तो क्या कर मैं क्या कर लूंगा। हाँ रुको, अभी बताता हूँ। Yes!
मानना पड़ेगा, आप ही यहाँ के मर्द हैं भाई, आप बिल्कुल मेरे जैसे। वसुंधरा दीवार फाड़ कर भागी है, अब तो वो पक्का हार जाएगी। अरे ऊपर कैसे जा पाएगी, ऊपर जाते वक्त सिंटेक्स टैंक में ही तो गिरी थी ना। अरे फिर भी ये 4 फीट का दीवार पार कर लिया, बोलो तो। अरे इस दीवार को कूद कर पार करने की बचपन की उसकी आदत है, ये सुना मैंने। फिर भी उस दृष्टिकोण को देखने की किस्मत मुझे आज तक नहीं मिली। फिर भी तंबी साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा, ऐसी औरत होने के बावजूद कितनी हिम्मत है आप में जो आप उसके साथ रहते हैं और अभी भी बचे हुए हैं। अरे औरतों ने जो झाड़ू से मार खाई है ना, हमेशा याद रखेंगे। जब हमारी बीवियां भाग रही थी तब उस दिन गोविंद भाई आपकी बीवी खड़े होकर तमाशा देख रही थी ना, आपने कैसे संभाला है? अरे वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेती है, और ना ही कभी वो मेरी बात पर कोई आवाज उठाती है, और ना ही मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करती है। मुझे निरोशा की एक बात नहीं समझ में आ रही है, कल तक वो बड़ी मासूम बनकर रहती थी, पर आज जब उसे देखता हूँ तो उसके अंदर कितना बदलाव आ गया। आज के बाद से उसका बदलाव चेंज हो जाएगा, आगे से हम ही 3 लोग जीतने वाले हैं। अरे कोई भी जीतने दो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गोविंद सर, इस निरोशा के लिए कोटेशन निकाला तो? कुछ भी हो उसके लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है, बेकार में जरा भी जगह दिया तो आखिर में सर पर आकर बैठेगी। अरे कोशिश करके देखने दो, हम सब एक होकर सबक सिखाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम्हारा काम धाम खत्म नहीं हुआ? तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बाप रे, नहीं चाहिए, मेरे बदन में मार खाने की हिम्मत नहीं है। तो मामला ये है, महिला संगठन को मार के भगा दिया इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? आपकी नज़र में महिला बोले तो नफरत और नज़रअंदाज है, आपके दिल में जहर भरा हुआ है। हे भगवान, उन औरतों की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों शादी की मुझसे? घर का काम काज ही करवाना था तो एक नौकर रख लिए होते ना। अब देखो, वैसे भी इस घर में मेरी जगह एक कामवाली की ही है, पूरा दिन बस घर में काम ही करते रहो। वैसे खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं इस घर में। अरे मैंने तुम्हें अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और इस घर के काम काज करने या गुलाम बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, समझ गई? बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की ताकि मैं तुमसे अपना सुख दुख बांट सकूं, इसीलिए शादी की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? कामवाली की जगह है इस घर में मेरी, अब बस बहुत हो गया। ये मत भूलो ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। हां वही वही वही, तुम्हारे पिताजी गंगाधर के दिए पैसे से मैं ऑडी कार और बंगला खरीद रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, सारी महिलाओं की है। कुछ महिलाएं मिलकर यहाँ पर आएंगी और मेरे बाप के पैसे से क्या क्या लिया सबका हिसाब लगाएंगी, और अपने पति के पैसे से शॉपिंग करेंगी और सोने की दुकान में जाकर खूब सोने खरीदेंगी, पर उस पैसों की घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। कल तक इस घर में तुम्हारी चीज मेरी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं था, पर अब शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। पिताजी मुझे एक शक है, मैं मम्मी पे गया हूँ या पापा पे या फिर दोनों पे? अच्छे से खेलने, सब ठीक है ना? ए लड़की, ये सब क्या है बता? ये जब्ती नोटिस है, लोन लेने के बाद ठीक समय पर लोन नहीं भरा तो हमें जब्ती नोटिस नहीं भेजना है क्या? हमने लोन भरा या नहीं भरा वो अच्छे से देखो वहाँ। सर एक छोटी सी गलती हो गई उसी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी गलती है, मेरी बेटी की शादी में मैं दहेज दिया था और मेरी इज्जत इस जब्ती नोटिस की वजह से शादी रुक गई, समझ में आ रहा है क्या? ये भले ही बैंक की वजह से आया था लेकिन मुझे मिला था झूठा जब्ती नोटिस। सर प्लीज आई एम सॉरी, बिना किसी गलती किए मैं चोर बन गया हूँ। लड़का मेरी बेटी को स्टेज से नीचे उतार दिया, अभी वो जहर पीकर हॉस्पिटल में है। ए, क्या करो तुम? हाँ अरे सर, आप यहाँ पर, आप यहाँ कैसे? मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, क्या परेशानी है? हाँ जिस लोन को हमने भर दिया है उसे लेकर इसने जब्ती नोटिस भेजा है, मेरी बेटी जहर पीकर अब भी मौत से लड़ रही है। सर सर आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन मास्टर जी का अगर दिल दुखा तो मैं इन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। सर आपको देखकर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना ये चाकू अपने पास रखो। तुम्हें पता है ना कि ये ऑफिस एक मंदिर है, अब यहाँ पर ऐसे गुंडों का आना जाना शुरू हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? हाँ चेहरा देख रहा है। अरे क्या हो गया? अरे वो नाच नाच कर अभी सर पर बैठ गया है, उसने अकेले हमें परेशान किया वो काफी नहीं है, अब और लोगों के साथ परेशान करता है, कुछ करना होगा। ये मामला तो प्री प्लान्ड है, नहीं तो ठीक समय पर वो आदमी यहाँ कैसे पहुँचा? गुंडे लोग भी उससे डरते हैं, उससे भी बड़ा वो डॉन है, ये हमें दिखाया इसलिए ड्रामा किया। अरे उसके हाथों से मार खाने से पहले कम्प्लेन करनी होगी हमें बस। अरे मैडम इस तरह कम्प्लेन देने से मैटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तेरी परेशानी है, ये लड़की स्ट्रांग नहीं है,
तुम वहाँ पे कहना कि उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया, मुझे डराया धमकाया, ये लिखो यहाँ पे। उस दिन हमेशा की तरह मैं टॉयलेट गई थी, अचानक से पीछे आकर गोविंद सर ने मुझे जकड़ कर पकड़ लिया। छुड़ा कर भागने की जब कोशिश की तो सर ने मुझे छोड़ा नहीं, उसके बाद उस आदमी ने मुझे डराया। बेटी तुम इधर आओ, इस पे साइन करो। जन्मों जन्म तक गुलाम बनाकर रखने वाले महिलाओं को संगठन शक्ति का बढ़ावा देने के लिए हम आवाज उठाते हैं, आप लोग को सुनाई नहीं देता? अरे हेलो, अरे अरे अरे, ये लाइट भी ना, यशोदा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करो। अरे उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है, ये इन लोगों का हमेशा का नाटक है। अरे सिसिली कम से कम अपने पति को तो फोन लगाओ। दीदी तुमको शर्म नहीं आती क्या? मदद के लिए किसी मर्द को बुलाना शर्म की बात है, इतना होने के बाद भी। अरे तकलीफ में अपनी इज्जत भी चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं, ऐसी मेरी राय नहीं है। चाहिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग वो सीढ़ी पकड़ कर रखना, फ्यूज लगाने का काम मैं संभाल लूंगी। आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, आराम से। अरे फायर फोर्स आ गया। क्या हुआ पापा, क्या बात है, आपको कोई टेंशन है क्या? आज एक रजिस्टर खत आया था, उसने ही उसे लिया था, तब से कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रखा है उसने। कैसा रजिस्टर खत? वो इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कई बार पूछ लिया, कुछ खुलकर बताएगी तब समझ में आएगा ना। क्या हुआ होगा? अब ये क्या नई परेशानी है? ये क्या है? अच्छा इतनी सी बात, इस वजह से इतना तूफान खड़ा हो गया? इतनी सी बात, हंस कर नजरअंदाज करना कोई आसान बात है क्या? वंदना कमीशन से आया हुआ नोटिस है ये, आपका स्टाफ है कंप्लेंट देने वाला। वो सब मेरी समझ में आ गया, उन्होंने जो शिकायत की उसी वजह से मुझे ये लेटर भेजा गया है, इतना ही ना। मैं सामने से जाकर मामला सुलझा दूंगा, सारा का सारा केस ही खत्म। कैसे खत्म होगा? आपने उसे डराने की कोशिश की थी, ऐसा केस है। इस झूठी शिकायत को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। झूठी शिकायत? जो शादीशुदा नहीं है वो जवान लड़की ऐसी कंप्लेन देगी? मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा उस नालायक महिला संगठन के लोगों पर भरोसा, यही ना? देखो मंजू, इन सब बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। कल ही अखबार वाले खबर छाप देंगे, चैनल के लोग खुशियां मनाएंगे, तब क्या? अखबार न्यूज वाले क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तकलीफ तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। तो फिर मैं लोगों का चेहरा कैसे देख पाऊंगी? ओह तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को चेहरा कैसे दिखाओगी और कैसे जियोगी? इस संकट के घड़ी में खड़े रहने के बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोच रही हो। देखो मंजू, छुओ मत मुझे। आक्रमण, क्रिमिनल शक्ति के साथ मिलकर एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का एक झूठा इल्जाम, IPC 354। अरे बाप रे, इतना बड़ा संभव है क्या इस किताब के मुताबिक? तुम कुछ भी हाथ में मत निकालो। अरे जितनी उसकी उम्र है अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो वो ये कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। नहीं चाहिए ना, हमारे महिला संगठन के लोग और कविता काफी है उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। इस तरह से अचानक पेटीशन देने के पीछे आखिर कारण क्या है, बताओ मुझे। ये परेशानी खड़े हुए काफी दिन हो गए हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गुंडे ऑफिस में आकर वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। उसने जो मनमानी दिखाई तो सर आपने उसे क्यों डराया? उस दिन ऑफिस में जो गुंडा आया था ना,
मुझे देखकर बाइज्जत उसने चाकू गिरा दिया। शक करने के लिए इतना ही काफी है ना? अच्छा हुआ कि वो सुबह सुबह आ गया था, नहीं तो मेरे हाथों से कोटेशन मिलता। क्या वैसे मंजू का बर्ताव तो मुझे समझ में आ रहा है, पर पति परेशान है उसके साथ खड़े होने की बजाय। अरे यहाँ किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इस केस को मैं फूल जैसे जीत कर दिखाता हूँ। एडवोकेट आनंद कट्टन कौन है ये मैं उनको बताऊंगा। इतने दिनों तक हमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो परेशानी दे रखी है, डरा कर रखा है, उन सबका एक एक करके मैं कोर्ट में खुलासा करूंगा। कोर्ट में इंसान के रूप में मैं एक शेर हूँ, केस ऊपर नीचे होगा, वादी प्रतिवादी होगा, सबको हिला कर रख दूंगा, सबूत पेश करके कोर्ट में सफाई दूंगा मैं। IPC 193 निरोशा हिल जाएगी, जो बराबर के हक जताने वाली है वो सब भाग जाएंगी, जिस रास्ते से जाएंगी वहाँ घास तक नहीं उगेगी, समझ गए तुम लोग? गोविंद कुट्टी साइन करो, मेरी इज्जत का सवाल है। कॉलोनी के लोगों के सामने मैं कोट पहनकर यहाँ वहाँ भटकने वाला बेवकूफ वकील नजर आता हूँ। एडवोकेट आनंद क्या चीज है उन्हें साबित करके दिखाना है, जिसे टकराना टकराए। सर क्या हो गया, जंगल से शेर आ गया क्या? सर कुछ औरतें आई हैं केस के सिलसिले में। तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे धोखा दोगे क्या? हाँ? अरे डोंट बी सिली, तुम ऐसी क्यों बोल रही हो? हाँ? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यही लड़के और लड़कियों में फर्क होता है, तुम लड़कियाँ हमेशा सपनों में ही जीती रहती हो, पर हम लड़के ऐसे नहीं होते, वेरी प्रैक्टिकल। तुमसे शादी करके भले ही मैं भूखा रहूं, पर तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वेलफ्रेंड महाराज अभी भिखारी बन गया है क्या? हे कम ऑन निरोशा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया है, उसे मैं तुरंत निकाल नहीं सकता हूँ, और मुझे अभी दुबई प्रोजेक्ट में भी 50 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, अदरवाइज मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर रोज तुम्हारे बैंक में करोड़ों का टर्नओवर होता है ना, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर मुझे दे दो। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब ये है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट, तुम कैसे भी करके मुझे पैसे दे दो, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा, क्या तुम्हें भरोसा नहीं? चुप रहो, इट्स नॉट एज सिंपल एज यू मेक इट सीम। गोविंद कुट्टी के बारे में तुम नहीं जानते। क्या वो रोज आकर लॉकर का पैसा थोड़ी गिनता होगा? तुम हर रोज की तरह पैसे को वहीं पर रखना, वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा। फिर भी मेरे जरिए तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये सब हम दोनों की खुशी के खातिर है, हम भी ऐसे सपने काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ जीना है। हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आई प्रॉमिस टू यू। अरे बाप रे, ये कोई इंसान है क्या? साथ में काम करने वाली लड़की को डराने का सोचा तो? ये आदमी इतना चीप है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये कोई बड़ा मसला जैसा दिखाई दे नहीं रहा है, मौका मिलने पर हर मर्द यही करता है। मेरी प्यारी मंजू, अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मंजू, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? सही बोला, इस तरह से शांति से बर्ताव करने वाली कोई लड़की अपने कॉलोनी में है क्या? सब कुछ उसके पति के मर्जी के मुताबिक, गोविंद कुट्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं उठाती। अब हमें ज्यादा बोल के क्या फायदा, अब तो एक बच्चे की माँ है ये, कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी जगह होती तो कब का रिश्ता तोड़ देती। जो होना था वो सब हो गया। मेरी जानकारी के हिसाब से इस परेशानी का हल निकालने का एक ही रास्ता है, तुम मंजू अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस मंजू को काम आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना। देखो मंजू, अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेशर्मी से इनके सामने हाथ फैलाने की वजह से ये हमारी वैल्यू नहीं करते। आज से मंजू के काम का सिलसिला, हर एक चीज का देखभाल करना, ये सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, ये सब हमारा दिया गया वादा है। मंजू तुम इस मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करो। सोचो मत मंजू, सोचो मत, साइन करो, साइन करो प्लीज, करो। कांग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए, ये आपके लिए मम्मी। हाँ
बढ़िया है। थैंक यू। हाय। खोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मंजू, तुमने मुझे हरा दिया। मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ और मेरी सोच भी पुरानी है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर देखा जाए तो हम मर्द स्वार्थी होते हैं। एक लड़की से शादी करने के बाद वो सही से खाती है क्या, सोती है क्या, हम इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। 10-20 साल मेहनत करने के बाद माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक नए घर में जा रहे हैं। लड़की के सुख दुख को सोचकर परेशान होने वाले माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कराते हैं जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने भी सोचा कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, उसका सारा बोझ मैंने तुम पर डाल दिया। उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई। ये हमेशा गाँव में चलने वाला है ना? हाँ, अरे ये हमेशा ऐसे थोड़ी ही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा बदलेंगे, क्या कहती हो? हम दोनों आज ही तुम्हारे घर चलते हैं। 15 दिन अपनी पत्नी के मायके रहूंगा, इसी बहाने तुम्हें माँ बाप को समझने का एक और अच्छा मौका मिलेगा। सही कहा ना मैंने? और वहाँ जाने के बाद तो तुम्हें ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। लेकिन कुट्टी, वो तो तुम्हारे लिए दूर होगा ना? अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अभी मेरी थोड़ी छुट्टी भी बाकी है। अप्पू का मामला? तुम उसकी फिक्र मत करो, हर वीकेंड में उसे तुमसे मिलाने लाऊंगा। फिर गाड़ी में तुम भी तो आ सकती हो ना? अच्छा, बहुत टाइम हो गया, चलो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये क्या कर रहा है? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से ही आया हूँ। आपकी बेटी से शादी की है तो ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। बस हुआ बेटा, क्यों ये सब नाटक? वो बेचारे हम लोगों के साथ। गीता का भी मामला ऐसे ही हो गया है। तुम ही हमारे आखिरी भरोसा थे, ऐसे तुम भी हम लोग का हाथ छोड़ दोगे तो हमारे साथ क्या होगा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ माँ जी, आपकी बेटी आजकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी। उस कॉलोनी से जब से हम लोगों ने घर बदला है वो भी बदल गई। आपने देखा तो उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके चलने का ढंग, और तो और पति के साथ कैसा बर्ताव करती है वो भी देखा। क्योंकि अब वो पुरानी मंजू नहीं है। वहाँ की कुछ औरतों की बातों में आकर वो मुझे अपना पति नहीं कहती, क्योंकि उससे शर्म आती है। उसने खुद ही ऐसा कहा। मंजू रुको, तुम्हारी परेशानी क्या है? परेशानी? कैसी परेशानी? अरे तुम्हारे ये सब नाटक हमारे पास मत दिखाओ,
उस कॉलोनी में जाने के बाद तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। कुछ नालायक औरतों का साथ मिलने की वजह से तुम्हें अब परिवार भी नहीं चाहिए, पति भी नहीं चाहिए, है ना? पिताजी मैं चुप रहो, गोविंद कट्टी ने सब कुछ बता दिया। ओहो, तो ये परेशानी है आपके पिताजी? खुद की बेटी पर भरोसा नहीं है, जैसे वो कहीं और से उड़कर आया हो। अगल बगल की लड़कियां छुप छुप कर देखती हैं तुम्हारे मंगलसूत्र को देखने के लिए। लड़के के ऊपर खुलकर प्यार दिखाने नहीं हो रहा है, कुछ भी अहंकार दिखाएगी और पिताजी इसका साथ देंगे, ये ख्याल इसके दिल के अंदर है। सुनो, शादी होने के बाद लड़की का घर पति का घर होता है। रहने दो, कभी जाने वाली हो, यहाँ रहना तुम्हारा काफी हो चुका है। कहाँ रही हो? तुम्हारा रवैया सब चौखट के उस पार निकाल दो, चलो जाओ यहाँ से। बड़े साहब हाथ हटाइए, आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मंजू से मिलने आई हूँ मैं। उससे जितना मिलना था मिल चुकी, अच्छे से शांति से जीने वाली लड़की के दिमाग में बेकार सारी चीजें मत डालो, परिवार को बिगाड़ो मत। तुम्हें समझ में नहीं आता, आगे इस घर के चौखट में आने की सोचना भी मत, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, समझ गई? बुड्ढे जुबान संभाल के बात करो मुझसे, तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं, लोकल SI की बीवी हूँ। अरे तुम उसकी बीवी हो या वो तुम्हारा बीवी है? हाँ, चप्पल निकालो क्या बुड्ढे? अरे बस चप्पल ही क्यों उतार रही हो, सब कुछ निकाल दो ना, यही तो संस्कार है तुम्हारे। स्त्री का सम्मान लेकर सुबह सुबह निकल कर आ जाती हो नालायक कहीं की, बेवकूफ। अपनी काबू में रखने वाले मर्द से पाला नहीं पड़ा, एक खींच कर दूंगा। क्या मुझे मारेगा? तुझे मारूंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। एक बार गोविंद कुट्टी ने तुझे मार कर भगाया था यहाँ से, फिर भी बेशरम की तरह वापस आ गई यहाँ पर, निकल जा यहाँ से। ये अपना रवैया तंबी के पास दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। घर जाकर पियर साबुन लगा के अच्छे से अपने जीभ को धो डालना, समझ गई? दीदी दीदी दीदी, कुछ तो बोलो केशव मास्टर, आप उन फालतू लोगों का नाम लेकर मुझे ऐसे धोखा देने की मत सोचो, वो कितने इज्जतदार हैं आपको तो पता ही है। और क्या? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अरे उससे भी ज्यादा राक्षस है ये, और इससे भी ज्यादा राक्षस वो है, एक क्वार्टर पीने के बाद सुबह तक लुढ़का रहेगा, इसको पीने के बाद नशा चढ़ने के बाद मेरे मामले को तुम लोग भूल जाओगे। एकदम सही समय पे देना है मुझे, 5 मिनट भी ज्यादा हुआ तो मेरा सर खा जाए, फिर बाद में समझा कर कोई फायदा नहीं। उसे छोड़ो, ये क्या है, टाइम पास। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह आए, अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आए, आज तो अपनी मर्जी से जिऊंगा। वैसे मास्टर अगर आपकी बीवी यहाँ आ गई तो क्या? अरे आ जाएगी तो तब देख लेंगे ना, अभी तो एंजॉय करते हैं। ऐसा है क्या, तो फिर हम भी पीकर मजा करेंगे, है ना? और क्या। वो तंबी और सेवियर इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आज सर आपके घर में 2 पुलिस ऑफिसर आके गए थे, मैंने देखा। पुलिस ऑफिसर, मुझे इसकी आदत हो गई है। मेरे कुट्टी सर, इस नलायक की इस तरह की बातें आप सुनेंगे ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल के लिए एक आपस में घुल मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, 2 अच्छे शब्द बोलकर तुम उस कंपनी की लड़की के साथ खड़े हो जाओ, जैसे ही केस वापस लेती है उसी समय उसको सबक सिखाएंगे। ओह अच्छा, अभी ऐसा हो गया क्या? अभी आप जानो आपका काम जाने। अरे वकील साहब बैठो ना। अब पीने का वक्त आ गया है। नहीं मास्टर, मैं पिलाता हूँ, कुछ भी कहो, बच्ची को दूध पिलाने की किस्मत यशोदा की नहीं है, कम से कम कुत्ते को तो हम देते हैं ना। अरे अरे दास की बेबी को मत बताओ, तो बेटा आप तुम्हें दूध पिलाएंगे पिताजी। आजकल लड़कियों को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, पर कस्टमर के सामने अपनी चर्बी दिखाई तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। अरे बैंक में रख कर मत करो, अरे उससे फोन पर बात करो, घर पे जाकर मिलो। अरे थोड़ा मस्का लगाने में कुछ नहीं जाता है, एक बार ट्राई तो करो। लगता है वो जाग गया है। हे भगवान, शुरू कर दिया इसने तो। मास्टर ये तो कुत्ते की दारू खुद ही पी गया। जरा देखो तो कैसे लेटा हुआ है। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा। ये वकील भी ना बड़ा अजीब है।
अरे गोविंद जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो उनसे जिंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने केस वापस विड्रॉ किया तो? अरे पगली, हमारा उसे फंसाने का कोई प्लान नहीं है, हमें तो बस पैसे चाहिए। तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल कर रखने तक उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, उसे ऐसे ही घुमाती रहना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वंदना कमीशन, फिर से पुलिस स्टेशन। शॉर्टकट में कहूँ तो उसे बैंक के अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। गोविंद कुट्टी, सच में इसकी तो उम्र बहुत लंबी है, अरे उसका फोन रिसीव करो ना। हेलो। अच्छा निरोशा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे तुमसे सामने मिलके कुछ बात करनी है। Why not? If you are comfortable, शाम को मेरे विला में रखें, शार्प 4 o'clock, ओके? ओके। थैंक यू। तो उसने तुम्हें आगे से कॉल किया, तो ध्यान दो, गोविंद को ऐसे छोड़ना मत, उसे बहुत अच्छे से तड़पाना, जैसे कसाई बकरे को हलाल करता है वैसे। बस करो विली, कितना टाइम हुआ है, वो पुराने जमाने का आदमी आता ही होगा। ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली वो? हाँ सरप्राइज वो सब है ना। शह, स्टॉप किडिंग, अब तुम सुबह सुबह मुझसे मजाक मत करो। सॉरी डियर, टेंशन में आ गई हो क्या, अपनी आंखें बंद करो। अरे करो। अभी आंखें खोलो। पर पैसे को यहाँ रखना सेफ नहीं, इसे मैं अपने पास रखता हूँ, फिर बाद में जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके। बाय। You are on time. क्या बात है सर? एक जरूरी काम से मिलना चाह रहे थे? जरूरी तो है, पहले क्या मैं अंदर आ जाऊं? Why not? मैं हमेशा दौड़भागी करता रहता हूं, पुलिस स्टेशन, अनीता कमीशन, कोर्ट में और फिर से पुलिस स्टेशन। सर मैं, मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए सब बोल दिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, गलती में कह दिया। सर आप मुझे जितने भी गाली देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कस्टमर के सामने गाली दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे निरुषा शांत हो जाओ, देखो रो मत, रुको शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ ना, देखो मैंने तुमसे माफी भी मांगी, शांत हो जाओ। मैडम इन्होंने कुछ नहीं किया सर, तो बस ऐसे ही। तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए कंप्लेन साइन नहीं कर रही थी ना। मैडम एक बार आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर तुम क्यों यहाँ पे आए हो जब कोई आदमी नहीं है तो, वो भी अकेली लड़की के घर पे। मुझे बोलने तो दीजिए। तुम कुछ मत बोलो, जितना सुना है उतना काफी है। अरे बाप रे, कसाई का एक सफाई पकड़े जाने के बाद नाटक तो देखो, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। ये सब क्या कह रही है निरोशा, ये समझाओ ना। तुम कुछ मत बोलो, क्या करना है? हमें भी नहीं पता ऐसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तुम जानते हो क्या? गाड़ी में बैठो। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये औरतें मुझे खामखा फंसा रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी में बैठो, सावित्री अंदर जाओ। सर मैं क्यों?
जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मेडिकल चेकअप के लिए, और स्टेटमेंट दे देना, बस डरो मत। अरे हाँ, डरो मत, किस बात की डर है, हम है ना तुम्हारे साथ, ये बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं, सच कह रही हूँ ना? अरे ये पहली बार है ना, इसकी वजह से डर रही है। चल केरला के बैंक मैनेजर ने जबरदस्ती अपने स्टाफ की लड़की को ब्लैकमेल किया। ताजा खबर, मंगला सागर बैंक के मैनेजर गोविंद कुट्टी को बैंक की कैशियर निरोशा के साथ जबरदस्ती करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। जहां काम करते हैं उस जगह पर कई बार जबरदस्ती करने के बावजूद निरोशा के दर्शन नगर वाले विला में जबरदस्ती घुसकर हड़कंप मचाया। गोविंद कुट्टी के खिलाफ निरोशा ने वर्धा कमीशन के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी थी। पीड़िता निरोशा महिला संगठन की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये बात छानबीन से पता चल रही है। महिला संगठन के चेयरपर्सन नैना कुमारी जहां घटना होने वाली उस जगह पर सही वक्त पर पहुंच गई, जिस वजह से पीड़ित निरोशा अपनी जान बचा सके प्रेसिडेंट वसुंधरा की वजह से। इस केस को लेकर गोविंद कुट्टी के खिलाफ कार्यवाही अभी भी जारी है। हमारे साथ पल पल की खबर देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद। ये जिसका रेप हुआ है वो निरोशा हमारी बेटी की जैसी है। हम लोग के पहुँचने की वजह से वो मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी इज्जत तो चली गई ना, अब उसके जीने का क्या फायदा और मर के भी क्या फायदा। विक्टिम निरोशा को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा हुआ है, हमारे साथ जुड़ी हुई है उनकी डॉक्टर। मैडम, आपके पास इसका क्या सुराग मिला है वो आप जरा शेयर करेंगी? इस केस में इंटरकोर्स होने की कोई जानकारी भी नहीं है, और ये क्या है कि इस लड़की का पूरा टेस्ट लेने के बाद ही इस केस के बारे में आगे कुछ कह सकते हैं। मम्मी जाओ मत, प्लीज प्लीज मम्मी। बेटा तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात में? कहाँ जा रही हो बेटी? मैं जा रही हूँ माजी, अब आगे एक पल भी नहीं रुक सकती मैं उनके साथ यहाँ। बेटा इस परिस्थिति में तुम मत जाओ, इसके पीछे कोई साजिश है, ये वो नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर ये थोड़े दिन पहले हुआ होता तो मैं इस पे भरोसा नहीं करती, वो एक आदमी का खून करके भी आए होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये हिसाब से मैं एडमिशन निकाल कर रखी हूँ, सुविधा के हिसाब से कोई दूसरी जगह मिलने तक मंजू को यहाँ थोड़ा एडजस्ट करके रहना होगा। चलो चलते हैं, वार्डन हमारा वेट कर रहा है। चलो। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर्दों के मर्द गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गोविंद कुट्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या हो रहा है बेटा? मैंने कहा था ना, इस घर में वो पुराने रिवाज अब नहीं चलेंगे। तुम इस तरह पुरानी बातों को याद दिलाकर इसे ठेस मत पहुंचाओ, कुछ लफंगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे इतना कोई क्यों करेगा, ऐसी भी क्या दुश्मनी। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, सत्य की जीत होगी। तो हम लोग इस तरह चले क्या शंकर? चलते हैं, चलते हैं। चलो बेटा। ये लो। ये क्या है, उसने खत भेजा है क्या?
नहीं, उसके वकील ने मुझे एक नोटिस भेजी है, डिवोर्स नोटिस। हे भगवान, तो मामला इतना दूर तक पहुंच गया है। पिताजी, ये डिवोर्स नोटिस का मतलब क्या होता है? ये सब तुम्हें बताने से समझ नहीं आएगा बेटा। इस ड्रामेटिक अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट मैं मिसेज मंजू को देता हूँ। मिसेज मंजू के कठिन मेहनतों की वजह से ही मैं उसके दिल से ये काम करने के ढंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो विद ऑल योर परमिशन, बी आर बोर्ड मेंबर्स, आज से मिसेज मंजू को मैं इस कंपनी का एक बहुत ही कठिन काम देने जा रहा हूँ। वो ये है कि GM ऑपरेशन साइड में प्रमोट करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है ना? तो हम सब फिर से मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मंजू, एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। आर यू हैप्पी? यस सर। मिसेज मंजू, मैं बोलना भूल गया, आने वाले पहले हफ्ते में मैं पुणे जा रहा हूँ, प्योरली ऑफिशियल। मंजू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यू गॉट मी राइट, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी रेडी। सर, उसकी तो मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है। नो 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 नो, ये बस नहीं हुआ। ओके मंजू, तुम्हें थोड़ा लेट जाना होगा, मेरी बात समझ रही हो, है ना? देखो मंजू, थोड़ा काम है तो मेरा होटल थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो तो मिसेज जॉनेट है ना, मैं उसे फोन करके बता दूंगा, मेरा खास आदमी है। ओके सर। अप्पू का है माँ? 10 मिनट हो गए उसको आए हुए, कुछ भी नहीं खाया अब तक। क्यों, उसे भूखने लगी है क्या? अरे माँ बाप को इस परिस्थिति में देखकर बेचारा बच्चा, हम लोग उसे क्या बोलकर समझाएंगे? उससे ज्यादा स्कूल से ताना मारने के बाद और मजाक उड़ाने के बाद भी साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। स्कूल से आने के बाद माँ से मिलने की जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम एक काम करो बेटा, मुझे वो जहाँ रहती है उस हॉस्टल तक पहुँचा दो बेटा। तुम उस गाड़ी में बैठे रहना, मैं ले जाकर उसे मिला दूंगा। हाँ ठीक है पापा। तुम लोग यहीं बैठो, मैं जाकर आता हूँ। वैसे तो 6 बजे तक आ जाती थी। आज ऑफिस से MD का फोन आया, बोला लेट होगी, बोल रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क फिनिश करना है। ठीक है मैडम, फिर मैं जरा वहाँ जाकर देखता हूँ, देख पाऊंगा या नहीं। डर गई हो क्या? प्लीज मंजू, मंजू आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई गॉट एन आइडिया। आज रात को हम यहाँ ही ठहरेंगे। आइडिया इज नॉट बैड। अच्छा, बट मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। कम ऑन, मैं ऐसा आदमी थोड़ी हूँ। तुमने कभी सुना नहीं, समय और वक्त दिया तो सब कोई फायदा उठा लेता है। ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है, ऐसा समझ रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये मौका बार बार नहीं मिलता, समझ रही हूँ क्या? मिसेस मंजू, दिस इज चीटिंग। मैंने किसी को चीट नहीं किया। व्हाट डू यू मीन? वसुंधरा के साथ टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ बताकर इसे मैं फिक्स किया हूँ, तो फिर अभी क्यों ऐसा? ये आप उनसे ही पूछिए। कहाँ जा रही हो? छोड़ मुझे। अरे Ah!
मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अरे तू कैसी लड़की है, कुछ और भी तो हो सकता है। काश कुछ और ही हो। अरे फिर तो हम बच गए। आगे जो भी दिन आएगा वो हम गोविंद कुट्टी के भगवान के आशीर्वाद से जिएंगे। पागल लड़की। निरोशा कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट पॉजिटिव है। सॉरी निरोशा, मैं भी तुमसे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं ड्राइविंग करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। विली, विली, बोलो क्या बात है। सर मुझे आपसे मिलना है। क्या मुझे दोबारा फंसाना चाहती हो? मुझे बात करनी है आपसे। मुझे दोबारा फंसाया भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे नुकसान का डर नहीं उसे किसी चीज का डर नहीं होता। बोलो कहाँ आना है, आखिर बात क्या है? अच्छा छोड़ो, बताओ कहाँ आना है। मेरे विला में, शाहपुर। गोविंद कुटी सर है ना? पर आप कैसे जानती है? ये हुई ना बात, सर आप तो एक ही दिन में हीरो बन गए। टीवी और अखबार पे आप ही का फोटो छपा हुआ है, फिर कैसे नहीं जान पाऊंगी। सर आप जल्दी आ गए। नहीं तो। अरे तुम लोग तो सांप और नेवले जैसे थे, अब फिर कैसे मिल गए हो? हाँ हाँ, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। माँ जी आप भूलिएगा मत, आइएगा जरूर। ओहो, ये तो मुझे ही गलत ठहरा रही है। बताओ तुम्हें क्या बात करनी। चलिए अंदर बैठिए। नहीं रहने दो, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं पहले ये केस में फंस चुका हूँ, अब नहीं आऊंगा। तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलो। मैं जो बोलूंगी उस पर आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सर आपको उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। पुलिस आती ही होगी, उनकी राह देख रही हूँ। उनके आने से पहले मुझे लगा था जो राज है वो खुलकर पूरा बता दूँ। माफ़ी मांगने की औकात नहीं है मुझ में, किसी के हाथ की एक पुतली बनकर रह गई थी मैं बस। वैसे वो लोग कहाँ पर हैं? नुकसान तो हमारा हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। और तो और मेरा काम भी चला गया है और मंजू भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। सर आप चिंता मत कीजिए, मंजू दीदी को जाकर मैं समझाती हूँ। दीदी का हाथ आपके हाथ में थमाने के बाद ही मैं पुलिस को सरेंडर करूंगी। जो गलती की है उसका एहसास करना इंसान के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। तुम कुछ मत करो। क्या बात है निरोशा, गोविंद कुट्टी सर मुझसे मिलने आए थे केस वापस लेने के लिए। माफी मांगकर पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था क्या? पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था ये तो सच है, लेकिन वो मैं थी दीदी। गोविंद कुट्टी सर तो मासूम है। गोविंद कुट्टी सर ने अब तक मेरे बदन को तक नहीं छुआ। उन औरतों ने मिलकर साजिश करके हमें धोखा दिया है। गोविंद कुट्टी सर हर मामले को खुलकर बताने के लिए एक दिन जब घर आए थे सर को केस में फंसाया गया था। बैंक के लॉकर से 50 लाख रुपए। निरोशा, हेलो हेलो निरोशा, अरे वकील बोतल को तोड़ा तो भगवान सजा देगा तुम्हें। केस बहुत मजबूत है, एक धोखाधड़ी का केस।
और ऊपर से जो सत्य का पालन करता है उस सरकार के नौकर को झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजने का केस। दूसरा कुछ भी हो, बाहर आने के लिए वक्त तो लगेगा ना। वैसे भाई, इस गर्भवती के लिए कोई और नया केस है? खास कर कोई केस नहीं बनता, लेकिन एक अजीब सा गिफ्ट मिलेगा, हाथ में नया बच्चा। ये भी ना। बैंक स्टाफ के कत्ल के मामले में जिसका कत्ल हुआ, मलवा बैंक में काम करने वाली स्टाफ है निरोशा। आज शाम को 5 बजे दर्शन नगर में रहने वाला विल्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पीछे आतंकवादियों की साजिश हो सकती है, ऐसा सोचकर पुलिस ने छानबीन के मुताबिक ये पहले ही कह दिया है कि ये पहले की दुश्मनी हो सकती है। पुलिस अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। निरोशा के बगल के घरवाली आयमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 4 बजे का समय था, गोविंद कुटी उसके घर के सामने खड़ा था, मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने उससे बात भी किया। थोड़ी देर के बाद ये लड़की आई वहाँ पे, कुछ देर वो लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर वो अंदर चले गए, पर ऐसा खबर मिलेगा मुझे नहीं पता था। कई बार से जबरदस्ती से उसके साथ गलत काम करने वाला इंसान है गोविंद कुटी। कानून उसको क्या सजा देती है? ये बहुत बड़ी साजिश हो गई है यार। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले तो एक केस स्थाई था, अब तो खून का केस लग गया। अरे तुम डरो मत, इस बुड्ढी की गवाही लेकर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 50 लाख का धोखाधड़ी और इल्लीगल तरीके से नाजायज संबंध, तुम तो सेफ हो। डम्मी है। हेलो, गोविंद कुट्टी से कहो फिलहाल जगह बदल कर रहे, पुलिस उसे ढूंढ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे बहुत जरूरी बात बोला है, गोविंद कुट्टी से बोलने के लिए बोला है जगह बदल कर रहने के लिए। चलो अच्छा, चलते चलते बात करेंगे। चलो नमस्कार सर। हाँ, सब लोग यही मौजूद हैं। आओ गोविंद, आकर गाड़ी में बैठो। सर देखिए, चलो गाड़ी में बैठो। सर गोविंद कुट्टी हमारे साथ ही है सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुनिए। सर बात तो सुनिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। हमारी बात कुछ नहीं सर। सर हमारी बात सुनिए। अगर सारी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी तो हम कुछ साबित कर सकते हैं। आज का दिन हमारा है, खुशी से हर पल जीने वाला ये मैत्री नगर काम क्रोधी भेषधारी गोविंद कुट्टी की वजह से पूरे खून की नदी में बदल गया है। वो अलग अलग वजहों से हमारे सामने आते रहते हैं। कुछ भी बोलते जा रहे हैं। हटो, पहले एक मासूम लड़की की जिंदगी को बिगाड़ा, बाद में स्त्री की हत्या की, उसके बाद काम क्रोध से महिला का सर्वनाश करने वाला एक कठोर दिल इंसान है। इस क्रिमिनल के साथ हमें इस कॉलोनी में रहने की नौबत आ गई है। हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ रह रहे हैं। ऐसा सोचते ही मेरा शरीर सर से पैर तक कांप जाता है। उस गुनहगार को फांसी होनी चाहिए। एक हैप्पी न्यूज़ है, पिछली बार जब गोविंद कुट्टी जेल में था तो तुम्हें ले जाकर उसे नहीं दिखाया था ना, अभी वो आदमी जेल के अंदर है। आ जाओ अपना दिल भर कर देख लो। आ जाओ 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 जाओ। इधर नहीं, पीछे जाकर बैठो। महिला संगठन जिंदाबाद, गोविंद कुट्टी मुर्दाबाद, गोविंद कुट्टी मुर्दाबाद। महिला संगठन वसुंधरा देवी को छोड़ो, वसुंधरा देवी को छोड़ो, वसुंधरा को बाहर छोड़ो, छोड़ो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अभी कुछ नहीं कह सकते, ऐसे आपको बुला रहे हैं, आप अंदर आइए। वो लोग मेरे बेटे को तकलीफ देंगे, मासूम है वो, उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम शांत रहो, निश्चिंत रहो, वहाँ दाम भी है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे वाह, कौन कौन आया है यहाँ? जैन मैत्री कॉलोनी के पूरे लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए आइए पधारिए। अरे बाप रे, चेयर कम है ना यहाँ, उस वजह से आप लोग सीधे खड़े हो जाओ। वसुंधरा खूनी गोविंद से मिलने आई हैं। और तुम लोग किससे मिलने आए हो? निरोशा के हत्या के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। क्या था उस व्यापार में तुम लोगों का फायदा? बिना किसी फायदा के किसी को मारता नहीं है। और सिलीली तुम उस निरोशा से कुछ ज्यादा ही नफरत करती थी क्या? वैसे यशोदा की नजर उसकी जायदाद के ऊपर नहीं थी, और गंगा देवी की नजर उसके खूबसूरत आशिक के ऊपर थी। वैसे वसुंधरा महिला संगठन प्रस्ताव के लिए एक चारा ढूंढते हुए गई थी, ये सब तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोगों ने उसको किस लिए मारा? सच सच बता दो मुझे। हम लोगों ने
ऐसा ने नहीं मारा। तो फिर तुम लोग नहीं हो? छी 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 छी, मैं तो बेकार में ही शक कर बैठा। तुम लोग उधर जाकर खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। उन लोगों ने तो ना बोल दिया, तो फिर तुम लोगों ने किया क्या? तांबे भाई दारू गाड़ी में निकाल। अरे बस करो, मारो मत भाई, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, सच में सही कह रहा हूँ। तो फिर केशव है क्या? वैसे केशव तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो ना, इस उम्र में छोटी बच्ची तेरी कमजोरी है क्या, बता मुझे। तंबी वो मैं। तंबी कौन है? तुम्हारा तंबी, वेलू तंबी, एस आई वेलू तंबी। वकील साहब आप क्या बोलते हो, ये किस धारा में आता है? आईपीसी 302 धोखाधड़ी, आईपीसी 306 हफ्ता। तो तुम लोगों ने सारी बातें सुन ली है ना ठीक से? तो फिर धारा तुम सबके समझ में आ गई है ना? कोई जवाब नहीं। शादी के दिन मैंने जो अंगूठी पहना था वो तुम्हें याद है क्या सावित्री? सर। ये किसकी अंगूठी है, पहचानती हो? क्या सच में तुम नहीं पहचानती? इज्जत से बोल दो वरना उगलवाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सावित्री। सर। बोलो साली, बोलो, पूछ रहे हैं ना, बोलो, नहीं बोलेगी तो मार खाएगी, बोलो, मुंह खोल के जो भी बोले बोलो। देखते हैं कैसे नहीं बोलेगी, बोल, बोल। बताती हूँ, बताती हूँ। छुप छुप कर कितने दिन चलेगा? मुझे इसका कोई परमानेंट सलूशन चाहिए, सोचो और इस पे ध्यान दो। उनको फंसाया गया था सर के बैंक से 50 लाख। अरे अब इसे कहाँ ले जाकर छुपाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, इसकी बॉडी को मैं ठिकाने लगाती हूँ। इक्वल बराबरी, बड़ी आई समांतर की बात करने वाली। अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग एक भेष पहन लेते हैं। ये सिर्फ तेरा ही फैशन नहीं है, 40 उम्र पार करने वाले हर मर्द का फैशन बन गया आजकल। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, छह गड्ढा का कीड़ा। ऐसा बोलकर हर औरत ऐसी है, मैं ऐसा नहीं बोलता, खानदानी औरतें भी होती हैं। इस केस में निष्पक्ष होकर हमारी मदद भी करी उन्होंने, अगर कहूँ तो वो भी एक लड़की है। गोविंद कुट्टी सर मुझसे मिलने आए थे, पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया था, ये तो सच है, लेकिन वो मैं थी दीदी। गोविंद कुट्टी सर तो मासूम है, गोविंद कुट्टी सर ने अब तक मेरे बदन को तक नहीं छुआ। निरोशा, हेलो। गोविंद कुट्टी का अरेस्ट एक नाटक था, गुनहगार पकड़ा गया ये खबर सुनकर ये दोनों रंगरलिया मना रहे थे। फिर हम लोगों ने इनके पूरे टेलीफोन कॉल को टैप किया और बंदूक फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के हाथ लग गई और निरोशा की बॉडी का डीएनए रिपोर्ट भी मुझे मिल गया, तो पूरे मसले का फैसला मिल गया। वैसे हमारा हीरो कहाँ है? गोविंद कुटी, तकलीफ देने के लिए माफ करना यार, तुम्हारे हर मदद के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चलो। अरे आगे कोई रिवाज बाकी रह गया है क्या तंबी? ऑफिशियल मैटर पूरा हो गया है, अभी फैमिली मैटर थोड़ा बाकी है। चैनल वाले को खबर चाहिए तो दे दो, नहीं तो हमारी नींद खराब कर देंगे। फिर मैं चलूं क्या? ठीक है ठीक है। अरे हाँ, पापा। वैसे गोविंद कुट्टी, ये जब तक जेल से बाहर निकलेगी मैं यहाँ तैयार रहूंगा। तुम पर तरस खाकर कुछ फायदा नहीं है ना, तब तक मैं आराम करता हूँ। अच्छा, तुम लोगों को भी आराम करना है क्या? सर ये पूछने की बात। अरे आराम की बात नहीं है, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की बात है।